टैलेंट क्या इस खास रहेगा इस शो के? देखिए आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें ना ही मेल है, ना ही फीमेल है, ना ही अदर है। इसमें जेंडर के आगे लिखा है ऑल आर वेलकम। हमने ऐसा सिस्टम ही नहीं रखा है, हमने ऐसी नींव की शुरुआत करी है जो कलयुग में एक सतयुग की स्थापना करने जा रहा है जी, जो एक ऐसा युग बनाने जा रहा है जिसके अंदर आपको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, नमन होकर स्वागत करते हैं, जिसमें अगर आप 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो आप अपने एज ग्रुप से कम्पीट कीजिए। एक ऐसा शो है जो आपको सिखाएगा, ये रॉ टैलेंट को इंडिया से उठा के सिखाएगा, एक गुरुकुल में लेके जाएगा जिसमें 24 बच्चे जाएंगे जी, जिसमें आने वाले समय में आप देखेंगे 2 ऑनलाइन राउंड्स हैं, फिर 2 फिजिकल राउंड्स हैं। आने वाले समय में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी, कौन कौन से सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। और आने वाले समय में ये एक ऐसा शो बनने जा रहा है जो कि पहले तो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे पार्ट लेने का मौका मिलेगा, और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हम ये वर्चुअल ऑडिशंस लॉन्च कर रहे हैं। कार्तिक जी, आप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देने का मेरा यही महत्व है कि हमारे को इक्वालिटी स्थापित करनी है, हमें इस देश में इस ऐसे युग की स्थापना करनी है जहाँ पे किसी से ये ना पूछा जाए आप कौन से मजहब से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसमैन हैं, या आप एक किन्नर हैं। अगर मेरी पर्सनल जो पहचान है वो हिडन रखनी चाहिए। हमारे को ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जागृति महिला एवं बाल विकास समिति और किन्नर अखाड़ा के द्वारा एक ऐसे युग की स्थापना करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या तुम में है टैलेंट। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।